लाइव आया हूँ। साथियों 10 सितंबर को किन किन मुद्दों को लेकर हम आंदोलन करने वाले हैं, क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य है और आगामी क्या रणनीति है, उसको लेकर आपके बीच में पहुंचा हूं। साथियों एक सवाल कई सालों से हम उठा रहे थे, एक आवाज हम कई सालों से उठा रहे थे कि राजस्थान की भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त किया जाए। लगातार कई लोगों कमेंट मुझे मिलते थे, लगातार कई कमेंट मैसेज कॉल आते थे कि भाई बाहरी राज्यों का कोटा कब समाप्त होगा, कारण अभी तक कोटा क्यों समाप्त नहीं हुआ, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे, फाइल चली थी लेकिन वो फाइल डंप क्यों हो गई, क्यों मामला रुक गया, कभी आप लोगों ने सोचा? क्योंकि साथियों जब तक हम सब में एकता नहीं होगी और जब तक लोकतंत्र में भीड़ तंत्र इकट्ठा नहीं होगा, साथियों अब हमारा एक व्यक्तिगत हित होता है, भाई मेरी कंप्यूटर भर्ती निकल जाए, मेरी पटवारी निकल जाए, मेरी रीट निकल जाए, मेरे ग्राम सेवक निकल जाए, मेरी INJ निकल जाए, मेरी मोटर वाहन उपरीक्षक निकल जाए, मेरी कृषि परीक्षक निकल जाए, सब लोग कहते हैं कि मेरी भर्ती निकल जाए, PTI निकल जाए, सब कहते हैं कि मेरी भर्ती की विज्ञप्ति जारी करिए, सिलेबस जारी करिए, परीक्षा तिथि जारी करिए, लेकिन क्या एक व्यक्ति ये बोलता है कोई भी कि नहीं विज्ञप्ति थोड़ी लेट हो जाए लेकिन पहले बाहर राज्य को कोटा समाप्त करिए, बोलता है कोई? और जब कुछ नहीं हो पाता है, उपेंद्र जी आपने कहा था, आपने आवाज उठाई थी, क्या हुआ? अरे जब अपने अधिकारों के लिए तुम चुप बैठ जाते हो और व्यक्तिगत हित के लिए तुम ही प्रेशर बनाते हो कि हमारी विज्ञप्ति जारी करवाओ, नीचे कमेंट करते हो मेरी मोटर वाहन उपनिरीक्षक का क्या हुआ, मेरी इस भर्ती का क्या हुआ, टेक्निकल हेल्पर का क्या हुआ, लेकिन कभी आप ये नहीं बोलते हो कि हमारी भर्तियां थोड़ी लेट हो जाए लेकिन पहले बाहरी राज्य को कोटा का समाधान होना चाहिए, बोलते हो क्या? और आप लोग बल्कि यह प्रेशर बनाते हो कि हमारी विज्ञप्ति जल्द जारी कराओ। अरे क्या उपेंद्र यादव अपने एसटीसी करवाए, जब तुम लोग अपने व्यक्तिगत हित के लिए उस मुद्दे को भूल जाते, फिर भी लगातार कोशिश कर रहे उसके लिए। अब मैं तमाम जो लंबित भर्तियां हैं, नई भर्तियां हैं, कुछ विशेष भर्तियों को लेकर लाइव में मैं चर्चा करूंगा, काफी भर्तियों को लेकर कई लोग जुड़े हैं, लेकिन जो तमाम लोग जो चाहे वो यूट्यूब चैनल पर जुड़े हो, चाहे वो फेसबुक पेज पर जुड़े हो, चाहे वो ट्विटर पर जुड़े हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज का ये लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 सितंबर को जो आंदोलन क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, क्या रणनीति, उसको लेकर मैं आपके बीच में हूं और कई ऐसी भर्तियां हैं जिनका आगामी क्या होने वाला है, कौन कौन सी भर्ती आने वाली है, उनको लेकर आपके बीच में आया हूं। साथियों एक चीज और बड़ा सवाल आप लोगों के बीच में है, हम आवाज उठाते हैं कि साहब फर्जी डिग्री आ गई, फर्जीवाड़ा हो गया, पेपर लीक हो गया, सेंटर में गड़बड़ी हो गई, आवाज उठाते हैं, दो दिन वो मीडिया में भी आती है और तुम हम सब लोग घर बैठ जाते हैं। अरे आवाज ऐसी बुलंद होनी चाहिए 10 तारीख को कि कानून बनना चाहिए उस पे। मैं पहले भी उदाहरण दिया था, आपने लाइब्रेरियन भर्ती 2018 का जो मामला सामने आया था जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा जो प्रेस नोट जारी हुआ था, मदर्स कोचिंग के जो मालिक यानी कि उसका भाई संदीप नेहरा का नाम आया था, शिव भगवान का नाम आया था, आपको पता है क्या, वो पुलिस के द्वारा पकड़े भी गए और जमानत के आधार पर बाहर भी आ गए, यानी कि जेल भी गए, छूट भी गए, आज तक किसी को पता चला क्या, यानी कि हजारों लाखों बेरोजगारों को भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, जेल गए और वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने उद्योग धंधा बना लिया है, उद्योग धंधा बना लिया है। उससे पहले चाहे वो जेल प्रहरी 2016 का पेपर आउट का मामला हो, चाहे वो JN डिग्री का पेपर का मामला हो, चाहे वो RS भर्ती का मामला हो, आपने देखा केवल आवाज उठती है या तो गुनेगार पकड़ा नहीं जाता और पकड़ा जाता वो सलाखों से बाहर आ जाता है, लाखों बेरोजगारों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। क्या इसमें कानून नहीं बनना चाहिए क्या, बताइए आप लोग? अरे भैया अपना निजी स्वार्थ छोड़ दीजिए थोड़े दिन के लिए, बाद में आप रोओगे कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी की, कोचिंग की, लेकिन फर्जीवाड़ा हो गया, पेपर बिक गया, सेंटर बिक गया, फर्जी डिग्री आ गई। अरे इसमें कानून बनना चाहिए। अरे मेरा मानना तो है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को मिलकर इसमें फांसी की सजा का जैसा कानून होना चाहिए, क्योंकि लाखों बेरोजगारों के भविष्य के साथ कारगत होता है। हालांकि हम कह रहे कम से कम फांसी का, मुझे पता है कि तुम बड़े बड़े अपराधियों को बचा लेते हो सब मिलकर नेता लोग, पता नहीं वो कब बनेगा, लेकिन कम से कम 10 साल का कानून तो फिलहाल अभी वर्तमान समय में बनाए, जो रनिंग में भर्ती है उससे पहले बनाइए, और उनकी जो
प्रॉपर्टी उसको सीज, उसको जब्त किया जाए, ये कानून बनाया जाए। हरियाणा में बनाने, अभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि हरियाणा में भी ऐसा कानून की तैयारी चली है लाने की। तो साथियों, मैं तो चिल्ला चिल्ला कर कितनी बार लाइव में ये बोल रहा हूँ कि इनमें अपराधियों में डर होना चाहिए, उन्होंने उद्योग धंधा बना लिया है। अरे अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, यदि कानून बनेगा, यदि इन अपराधियों में डर होगा, तो दोस्तों पारदर्शिता भर्तियों में आएगी तो किसको फायदा होगा बताइए? आप दिल पर हाथ रखिए, भर्तियां सही ढंग से होगी, पारदर्शिता के साथ होगी, फर्जीवाड़ा नहीं होगा, तो आज गरीब का योग्य अभ्यर्थी, वो आज जो अपना सपना देख रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके सपने साकार होंगे। अन्यथा फिर कहोगे कि साहब इतनी मेरिट कैसे चली गई, और वो फर्जीवाड़ा करने वाला खुद तो पास होकर लग जाएगा, फर्जीवाड़ा करके लग जाएगा, लेकिन वो और लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा। अयोग्य व्यक्ति कभी भी योग्य काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हम लोग जब हजारों की संख्या में यदि 10 सितंबर को इकट्ठे होंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे कदम उठाएंगे, क्योंकि ये बजट का काम नहीं है, ये भर्तियों में पारदर्शिता के लिए एक बड़ा कदम है। आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर अपील आप सभी लोगों से अपने भविष्य के लिए, अरे भाई फर्जी डिग्रिया डिप्लोमा कितने आने लग गए यार, मैं कई बार सोचता हूं कि अब क्या होगा, ये इतना फर्जीवाड़ा कब रुकेगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि 10 सितंबर को एक बार अपने भविष्य के लिए घर से निकलिए, साथ दीजिए इन फर्जीवाड़ों के खिलाफ, इनके इनको जेल में डलवाइए, इनके खिलाफ कानून बनाइए। इसलिए साथियों, फर्जी डिग्री और डिप्लोमा के रुके, साथ में जो पेपर लीक करने वालों को हमेशा के लिए जेल में डाला जाए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, और जो सेंटर वगैरह पड़ी गई उनको रोका जाए, तब योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। आप भर्ती की विज्ञप्ति भी आ जाएगा, सिलेबस भी आ जाएगी, तैयारी भी कर लोगे, मेहनत भी कर लोगे।